आटा और रवे से कभी मालपुआ खाए हो? नहीं ना, तो बंगाली स्टाइल में आज बनाएंगे हम मालपुआ। हम मालपुआ रोज अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं आज लेके आई हूँ बंगाली मालपुआ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो बस आज रेसिपी, एक बड़े बर्तन में मैंने गुड़ का पानी डाल दी हूँ। गुड़ को अच्छे से बारीक बारीक काट ली थी और गैस में गरम करने इसे पिघलने तक रख देती हूँ। जब तक ये गरम हो जाता, अच्छे से मेल्ट हो जाता है, तब तक हम दूसरा सामान निकालते हैं। मैंने मतलब दो माप कटोरी भर के रवा ले ली हूँ। रवा लेने के बाद मैं इसमें अच्छे से एक कप भर के मैंने आटा लूँगी। ये भी आटा है, वो भी एक कप भर के। जितना क्वांटिटी दो रवा कप लेंगे तो इतना एक कप हम आटा लेने का है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद एक चम्मच नमक लेंगे। नमक लेने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ का पानी मेरा हो गया था, बन गया था अच्छे से, उसे चाशनी नहीं बनाना था। हमें इस बात का ध्यान रखना है, बस ये गुड़ का पानी अच्छे से गुड़ गल जाए तब हमें गैस बुझा देना है। रवा और आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये गुड़ का पानी डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि ये गट्टे ना हो, और आराम से हमें इसे मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गट्टेपन सब है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। इसे गाढ़ा भी नहीं करना है ना एकदम पतला करना है, अच्छा ठीक करना है। और रवा और आटा अच्छे से चिपकने लगे, गुड़ के पानी की वजह से चिपक गया, मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैंने ये बैटर को आधा घंटा इसके लिए रखी ताकि तेल में जाने के बाद ये अच्छे से फूक जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस ये आधा घंटा हो गया था। अब मैंने एक साइड कढ़ाई में तेल गरम करने रख दी थी और इसके अंदर मैं सौंफ डाल दूंगी, क्योंकि जब बाइट हम खाते हैं ना तो एक बाइट पे सौंफ आता है तो इसका टेस्ट अलग ही होता है। इंडिया में कैसा अंडा डालते हैं तो वैसे ही बंगाली में इसमें सौंफ डालते हैं। और ये पूरा मतलब इंडिया में बना रही हूँ, मगर ये गाँव की रेसिपी है, गाँव में ऐसे ही बनाते हैं। तो बस मैंने एक उंगली से ली हूँ और इनको अच्छे से डालूंगी तेल पे। ये ऊपर आ गया तो मतलब मेरा बैटर एकदम परफेक्ट बन गया। तो अब ये गुलगुला बनने के बैटर बन के एकदम रेडी हो गया। अब मैंने इस कढ़ाई में जितना भर के घी ली हूँ, या तेल भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक चम्मच मालपुआ का बैटर डालूंगी और देखो खुद ब खुद ये ऊपर आएगा और ऊपर आके फूलने लगेगा। मतलब जितना अच्छा मैंने मिक्स करी, आधा घंटा इसे रखी हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करी हूँ, अच्छी तरह से फेटी हूँ, इसकी वजह से ये ऐसे अपने आप एकदम तेल ऊपर आके फूक गया था मेरी ये पूरी। तो बस ये एकदम मीठी और क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाएगी। इसका कलर बदल गया तो समझो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये पक गया है, क्योंकि हमने इसमें आटा और सूजी डाले हैं, तो बड़ा ही टेस्टी होगा। मैं चाहती हूँ कि ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो बस ये रेसिपी मेरी बन के मालपुआ की रेडी हो गई है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दो।